गाड़ी है खाली, इनोवा नहीं बोल खाली, इनोवा खाली नहीं, नक्की का मैडम वो बोल रहे हैं इधर से लेके जाते हैं ना और उधर घर पे गाड़ी है उस पर डाल के और शिवराम के साथ भेज रहेगा, वो इधर से आपकी गाड़ी लेके जा रहे हैं और शिवराम के साथ तुरंत भेज सामान है वो माइक भी सब ले रहे हैं सामान किस में इनोवा में हाँ और उधर जाके इन्हें इनोवा में डाल रहे हैं उधर जाके बस आपकी गाड़ी में उधर घर तक बाइक देते उसको लाता ही नहीं वो कहीं पर भी लेके चले जाता है पागल है वो टाइम शिवराम को बोल लेके जाता है इनोवा में ही सामान है ना नहीं वो उस गाड़ी अभी सामान इधर है वो इसमें डाली ड्राइवर में और वो उधर लेके वो सामान ड्राइवर में डाली मत ना डाल रहे सामान ड्राइवर में क्यों डाल रहे हो इनोवा ही इधर लेके आ जा As you all know, in the last session, we had started with the revision of the Indian Contract Act 1872. And check. Okay. In the last session, thodi si awaaz badhao na. We had started with, in fact, we had completed the Indian Contract Act 1872. Aaj hum log kya karne wale, shuru karne wale with the revision of the Companies Act 2013. So, hamesha ki tarah, aap log jante ho, the rules of the class, everyone has to sit straight like good children. And your only attention has to be on the provisions of the Companies Act 2013. Let's check how much time will it take for this revision. Uske hisab se aage ka plan karte hai. To chalo, without wasting a single moment, hum log is act ki shuruaat karte hai. What do you mean by the word company? According to the Companies Act, a company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Ab isi definition se hume ye nahi samajh mein aata hai, what do you mean by a company? And that is why, my dear friends, some people have defined and explained a company by its features. To kya aap mujhe bata sakte ho, what are the features of a company? Claps. C is for? Common seal. L is for? A is for? P is for? And S is for? अब एक एक करके सारे फीचर को देखते हैं. सबसे पहले है कॉमन सील. कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर आपकी कंपनी चाहे वो अपने लिए कॉमन सील रख सकती है, ना चाहे तो ना रखे. हाँ, बट ये जो कॉमन सील है अगर आपके पास नहीं है देन एनी टू डायरेक्टर्स कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. बट अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वन डायरेक्टर अलोंग विद दैट कंपनी सेक्रेटरी विल साइन द डॉक्यूमेंट. ये कॉमन सील क्या कंपनी की सिग्नेचर जैसा होता है? तो जहां कहीं पे भी कॉमन सील अफिक्स्ड है, माना जाएगा कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया है अपना कंसेंट. यस और नो गाइस? कॉमन सील. एल इज फॉर मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है?
it is a liability of the members that is limited in nature. अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, अनपेड शेयर कैपिटल, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, गारंटीड अमाउंट, और अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, गारंटी नहीं, अनलिमिटेड लाइव विच विल अराइज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लाइव. खैर इसके ऊपर डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं जब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज, इसलिए यहीं पर रुक जाते हैं. ईश्वर तो कंपनी कैसी है, नेचुरल है, फिक्टिशियस है, क्या आर्टिफिशियल है? सो इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ. इनफैक्ट उसका खुद का अपना आइडेंटिटी भी होता है, हाँ है ना? तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कैन बाय एसेट्स इन इट्स ओन नेम, इट कैन इनकर लायबिलिटीज इन इट्स ओन नेम. साथ साथ में आप लोग मुझे बताओगे पी इज फॉर व्हाट? परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, मतलब मेंबर्स आए गए, मेंबर्स जाए, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगो युगत उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. एंड एस इज फॉर सेपरेट लीगल एंड, कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. बट अब देखो हमने यहाँ पे एक केस लॉ भी देखा था, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. बट जहाँ एक साइड पे हमने कह दिया कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, हमने एक व्हील बनाई है, हाँ, जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेट व्हील. एक साइड पे हमने ये कॉरपोरेट व्हील बना तो दिए है, बट कहीं पे भी अगर लॉ मेकर को लगा कि कोई भी बंदा इस कॉरपोरेट व्हील का गलत फायदा उठा रहा है, तो हमने लॉ में ये भी प्रोविजन डाल दिया है कि हमने जहां पे पर्दा घिराया है हम इस पर्दे को उठा भी सकते हैं. लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील, यही लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील कब कब होता है? अच्छा, जब कभी भी लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील होता है ये सेपरेट आइडेंटिटी जो है उसको डिसरिगार्ड किया जाता है, और मतलब कंपनी और मेंबर्स को एक, या तो कंपनी और डायरेक्टर्स को एक माना जाता है, और कंपनी के नाम पे किए गए काम के लिए सजा हम कंपनी को नहीं बट उसके मेंबर्स या डायरेक्टर्स को लायबल ट्रीट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर दैट कंपनी इज योर एनिमी और फ्रेंड. अरे हाँ है ना? तो यहाँ पे कंपनी थी जहाँ पे इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन लंडन, ऑल्सो हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन लंडन, बट ऑल द डायरेक्टर्स वर जर्मन्स. इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर्स वर ऑल्सो जर्मन्स. और जर्मनी और ब्रिटिशर्स के बीच में हो गई लड़ाई. अब हमने ये नहीं देखा कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, हमने ये देखा कि कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, जर्मन्स. एंड वी लिफ्टेड द कॉरपोरेट व्हील टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस. अगर कोई भी ऐसे से टैक्स को इवेड करने की कोशिश करता है इसी सेपरेट लीगल स्टेटस का गलत फायदा उठाकर, उस केस में वी विल लिफ्ट द कॉरपोरेट व्हील एंड वी विल ट्रीट दैट अदर कंपनी कंपनीज इनकम, वी विल क्लब इट विद द एसएससी, और इसी क्लब्ड इनकम पे हम एसएससी को टैक्स देने लगाएंगे. सर डिंचाओ मानिक जी पेटेट केस क्या तुम्हें याद है? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस, तो यहाँ पे क्या हुआ था आप लोग जानते हो, स्टैट्यूटरी कुछ पेमेंट्स आपको आपके एम्प्लॉयज को देने पड़ते हैं जैसे बोनस. इसी बोनस को कम देने के चक्कर में इस कंपनी ने और एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया और अपनी इनकम वहाँ पर डाइवर्ट कर दी, क्योंकि इनकम कम बोनस कम. ये दूसरी कंपनी का कोई दूसरा एसेट नहीं था, कोई दूसरी लायबिलिटी नहीं थी, कोई काम ही नहीं था. मतलब द सोल पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दैट कंपनी वॉज टू रिड्यूस दिस बोनस का बर्डन.
अरे हाँ है ना, दोनों की इनकम को क्लब किया गया और क्लब इनकम पे बोनस देने लगाया गया। हाँ कभी कभार आप होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी को मानते हो एक और उनको अलग अलग ट्रीट नहीं करते हो, मतलब ही आप लिफ्टिंग करते हो ऑफ द कॉरपोरेट व्हील। और एक लास्ट पॉइंट है जो कहता है, कोई भी कांड हुआ है, फ्रॉड हुआ है कंपनी के नाम पे, हम कंपनी को जेल नहीं भेजेंगे, हम उसके डायरेक्टर्स को जेल भेजेंगे। तो ये वो 5 केसेस है जहाँ पे हमने कॉरपोरेट व्हील का लिफ्टिंग किया था। वापस से मुझे बताओ, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी? सी इज फॉर एल इज फॉर ए, पी इज फॉर एंड एस इज फॉर, जहाँ पे हमने पर्दे को घिराया है, अगर हम चाहे क्या पर्दे को उठा भी सकते हैं? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, टेल मी द 3 टाइप्स। एनर्जी कहाँ है आप लोग? बोलो, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैप। ये पैसा कब कब बुलाया जा सकता है? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है, क्या लायबिलिटी खत्म हो जाती है मेंबर्स की? अगर आपकी गारंटी कंपनी है, मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है? अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। गारंटीड अमाउंट कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में। बट ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुलाया जा सकता है? ड्यूरिंग द वंडरफुल। अनलिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट दिस लायबिलिटी अराइजेज ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, दैट टू ओनली इफ द एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट टू रीपे द लायबिलिटी। वंडरफुल। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप अ कंपनी कैन बी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो अब तो पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती है। तो प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी मतलब क्या होगा? जिसके आर्टिकल्स में बताया गया है 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस के बारे में। कौन से 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस? बोलो, एल आर टी। एल इज फॉर लिमिटेशन ऑन व्हाट? नंबर ऑफ मेंबर्स। और ये लिमिटेशन कितना है? 200। बट 200 की गिनती में क्या होता है बताओ? जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज वन एम्प्लॉय मेंबर, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड। आर इज फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे प्रोहिबिशन है या रिस्ट्रिक्शन? तो क्या प्राइवेट कंपनी में भी मेंबर्स अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? बट देयर विल बी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड। एंड पी इज फॉर प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? मेकिंग एन इनविटेशन टू द पब्लिक। तो क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है? हाँ या ना? अगला देखो, जो प्राइवेट नहीं है वो कंपनी पब्लिक है, तो क्या पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? अरे बोलो ना, लिमिटेशन है क्या नंबर ऑफ मेंबर्स पे? पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है? पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक के पास जा सकती है? इसी प्राइवेट कंपनी का एक बच्चा है ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म? मिनिमम मेंबर कितने हैं? मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टर 15। क्या नॉमिनेशन करना कंपल्सरी है? मिनिमम नॉमिनी एंड मैक्सिमम नॉमिनी। अच्छा, क्या नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? क्या आप नॉमिनी को निकाल सकते हो? साथ साथ में अब आप लोग मुझे बताओ, अगर आपको सोल मेंबर या नॉमिनी बनना है, क्या है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? बोलो, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अदरवाइज। हाँ है ना? एंड यू शुड बी अ मेजर। हाँ है ना?
क्या ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है? क्या ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सकती है? अरे बोलो ना। ओके, स्मॉल कंपनी का दर्जा आपको कब दिया जाएगा? व्हेन यू आर अ कंपनी अदर देन अ, अदर देन अ, अदर देन अ, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 CR। अब इसी स्मॉल कंपनी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी को भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। एंड एनी कंपनी विच इज फॉर्म्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट, उसको भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, बोलो, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। जिसकी कोई सब्सिडरी उसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कैसे बनती है? यू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सब लोग बोलो तो यू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब यू कैन ईदर अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। आप क्या कर सकते हो? या तो अपॉइंट या तो निकाल सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, यू हैव कंट्रोल ओवर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एंड यू ऑल आर चेन सब्सिडरीज। यस और नो गाइस? एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जिसमें आपका है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए यू शुड होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी। यस और नो गाइस? नेक्स्ट मिसलिनियस सेक्शन 8 कंपनीज। व्हाट आर सेक्शन 8 कंपनीज? नॉन फॉर प्रॉफिट। क्या इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमा के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है? द प्रमोशन इज, द ऑब्जेक्टिव इज प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह। हाँ है ना? यही जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इनफैक्ट वाइंडिंग अप के वक्त भी सरप्लस एसेट्स मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट आपको अगर सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, क्या आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस की जरूरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ROC। बट जहां सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे सकता है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे लाइसेंस छीन भी सकता है? छीनने का पावर दिया है टू द रीजनल डायरेक्टर। क्या बात है? अब देखो, अगर RD ने आपका पावर छीन लिया, यू विल बिकम अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। अब आपको आपकी कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? हो सकता है आपकी जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, सरप्लस एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको ऑर्डर दिया जाए टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी, ये सरप्लस एसेट्स भी आप आपके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल इज हेल्ड ईदर बाय और पार्टली बाय, वेरी गुड, निधि कंपनी मतलब बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स। डोरमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनीज होती है जो एक्टिव नहीं होती है। हाँ या ना? दे आर बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड टू होल्ड एन एसेट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सम टेक्निकल नो हाउ। ये स्टेटस आपको कितने सालों के लिए दिया जा सकता है? और आपकी कंपनी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रही है। हाँ या ना? कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने लोग लगते हैं? कम से कम 1, 2, or 7? 1 in case of a? 2 in case of a? And 7 in case of a? Formation of a company.
इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी किस बारे में बात करता है कि कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हो. कौन सा प्रोसीजर है आज के जमाने में? स्पाइस प्लस. क्या है? फॉर्म नंबर बता सकते हो? INC 32 इज फॉर एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी. फिर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ROC के पास फाइल करते हो. INC 33, INC 34, INC 35. कौन से ये डॉक्यूमेंट्स है? EMOA, EAOA, एजाइल प्रो. हाँ या ना? पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्ट, कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड डेक्लरेशन बाय द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स एंड वन मोर डेक्लरेशन बाय द डायरेक्टर एंड अ प्रैक्टिसिंग CA, CS, CMA और एडवोकेट कि हमने हर वो कोई चीज जो एक्ट के अंदर लिखी गई है वो हमने कंप्लाई करी है टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी. जैसे ये सारी चीजें हो जाती है कि आपको शगुन के 11 रुपए मिलते हैं. इन फॉर्म नंबर INC 11 इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जिंदगी भर संभाल के रखने पड़ेंगे. हाँ है ना? और जैसे ही सेक्शन 7 ठीक से हो जाता है सेक्शन 9 आ जाता है. दैट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA. MOA एंड AOA आर लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स एंड द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स. जो भी MOA और AOA में लिखा है वो कंपनी को कंप्लाई करना ही पड़ेगा और उसके मेंबर्स को कंप्लाई करना ही पड़ेगा. सो कंपनी इज बाउंड टुवर्ड्स द मेंबर्स एंड मेंबर्स आर बाउंड टुवर्ड्स द बट द आउटसाइडर इज नॉट बाउंड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. कैपिटल और उसका क्लासिफिकेशन लास्ट एग्जामिनेशन में ही इसके ऊपर सवाल पूछा था. तो कैपिटल मतलब होता है कंपनी का शेयर कैपिटल और यही कैपिटल के अलग अलग टाइप्स है. हाँ है ना? क्या क्या अलग अलग टाइप्स है बता सकते हो आप? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ये वो कैपिटल है जो कंपनी मैक्सिमम बुला सकती है. इसी ऑथराइज का जितना आपने इशू किया है उसको कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल. जितना सब्सक्रिप्शन मिला है उसको कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. जितना कॉल किया है उसको कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. और जितना पे किया है उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल. कॉल्ड अप माइनस पेड अप को कहते हैं एज द कॉल्स इन एरियर्स. वंडरफुल. शेयर एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और ट्रांसफरेबल भी होती है. शेयर्स एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है एज वेल एज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी भी होती है. यही शेयर्स डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड होना जरूरी है जैसे करेंसी नोट्स होते हैं फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन पर्पस. एंड देर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. कौन से बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर. जो कैपिटल प्रेफरेंस नहीं है वो क्या है? तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल? क्या वोटिंग राइट्स? कुछ भी बोल रहे हो. क्या बोला मैंने? जो शेयर्स प्रेफरेंस नहीं है वो क्या है? तो इक्विटी शेयर्स के टाइप्स बताओ ना. Shares with differential voting rights. बोलो. And ordinary equity shares. Preference shares ऐसे shares होते हैं जिनको priority मिलती है दो चीजों में. One, payment of dividend and repayment of capital. हाँ है ना? अब मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में.
दोनों भी डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम, ये किसकी चार्ट बुक और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों भी डॉक्यूमेंट्स जो है क्या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है? हाँ है ना? सो एनीवन हु विशेस टू कैन इंस्पेक्ट दीज डॉक्यूमेंट्स. शेयर होल्डर, ये जानकारी कि उसका पैसा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाला है वो पता कर सकता है थ्रू द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एंड प्लस एनी आउटसाइडर हु इज डीलिंग विद द कंपनी शुड नो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी के साथ एंटर करने जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का पावर कंपनी के पास है या नहीं है. वो किससे पता चलेगा? बोलो ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसी मेमोरेंडम के कंटेंट बताओ, मैंने मेमोरी टेक्निक बताई थी. बोलो एन आर एल ओ सी पार करके आ गए. हाँ, एन इज वर, आर इज वर, एल इज वर, ओ इज वर, सी इज वर एंड आ गई इज वर. और अगर आपकी ओपीसी है और एक क्लॉज जाएगा, नॉमिनेशन क्लॉज. सबसे पहला नेम क्लॉज, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा जाता है. अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड, और ओपीसी है तो व्हाटएवर व्हाटएवर प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखोगे वन पर्सन कंपनी. आर इज फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यहाँ पे आप सिर्फ लिखते हो द स्टेट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस. एल इज फॉर, यहाँ पे आप लिखते हो कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. ओ ईश्वर, आप लिखते हो कंपनी का काम क्या होने वाला है. सी ईश्वर, बट यही कैपिटल क्लॉज में आप क्या लिखते हो? सिर्फ कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. एंड एसोसिएशन क्लॉज में आप लिखते हो कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स के बारे में, जो बन जाते हैं कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स. क्या बनते हैं? कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स. हाँ है ना? जहां पे नाम और काम मेमोरेंडम में लिखा है, इसी काम को करते कैसे, कहां लिखा होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. यही आर्टिकल्स जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं टू द मेमोरेंडम एज वेल एज द कंपनीज एक्ट. इट शुड बी इन लाइन विद द मेमोरेंडम, इन लाइन विद द कंपनीज एक्ट 2013. आपके आर्टिकल्स कोई भी प्रोविजन नहीं लिख सकते जो इलीगल है. हाँ है ना? और अगर आप चाहो आपके आर्टिकल्स को स्ट्रिक्टर बना सकते हो एज कंपेयर टू द कंपनीज एक्ट इन रिलेशन टू पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. हाँ है ना? पक्का? एग्जिस्टिंग कंपनी तो अपने आर्टिकल्स को वैसे ही एंट्रेंच कर सकती है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, सॉरी एग्जिस्टिंग कंपनी अगर चाहे, और अगर प्राइवेट कंपनी है सारे मेंबर्स का कंसेंट लेके आर्टिकल्स को एंट्रेंच कर सकती है. और अगर आपकी कंपनी है एक पब्लिक कंपनी, इट कैन पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड कैन एंट्रेंच इट्स आर्टिकल्स. तीन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन्स है, इनफैक्ट एक्चुअली दो है. डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी ने किया है विच इज बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अल्ट्रा वायर्स, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, इट इज नल इन द आईज ऑफ लॉ. ऐसे ट्रांजैक्शन का रैटिफिकेशन भी पॉसिबल. डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर सच ट्रांजैक्शंस. एंड लास्टली, अगर हमने वो ट्रांजैक्शन एंटर किया नहीं है बट करने जा रहे हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर. कंपनी वही काम कर सकती है विच इज विद इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. हाँ है ना? अब देखो डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट.
डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का जन्म हुआ आफ्टर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हमने कंपनी को प्रोटेक्ट किया था अगेंस्ट द आउटसाइडर, जहां पे कहा था आपकी जिम्मेदारी है आउटसाइडर एमओए और एओए रीड करने की, प्लस ऑल्सो टू चेक whether द इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन complied with. सो वी ट्राइड टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर. बट इसी का उल्टा आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. सुनना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ये केस जो आया है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट केम अप आफ्टर अ वेरी फेमस केस लॉ जिसका नाम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड, जहां पे हमने कहा अगर कंपनी आपके पास आई है तो कंपनी ऑथोरिटी लेके आई होगी, आपको वापस से इंटरनल प्रोसीडिंग्स चेक करने की जरूरत नहीं है. यहां पे वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट द, जहां पे हम कह रहे अभी भी यहां पे आपको एमओए और एओए तो रीड करना ही है. अरे हाँ है ना, बट नाउ हियर वी से दैट यू कैन प्रिज्यूम दैट द इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लाइड विथ. यस और नो गाइस, श्योर 100%? बट इसी जनरल रूल के है तीन एक्सेप्शन. नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, यहां पे अगर आपको पता है दाल में कुछ काला है फिर भी आप वो दाल पीते हो तो पेट तो गड़बड़ होगा ही ना. हार्वर्ड का केस, डायरेक्टर को पता था कि जो ट्रांजैक्शन वो कंपनी के साथ करने जा रहा है वो इरेगुलर है, क्योंकि कंपनी के पास तो सिर्फ 1,000 pounds की बोरोइंग का पावर था. उससे ज्यादा अगर कंपनी बोरो करना चाहती थी जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना जरूरी था. कोई जनरल मीटिंग नहीं हुई, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, और हार्वर्ड ने खुद ने 3,500 pounds दिया. ही हैड द नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, स्टिल ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. डिसीजन आया सिर्फ 1,000 pounds तक की बोरोइंग वैलिड है, बाकी का ट्रांजेक्शन इज void ab initio. We will not protect him. We will protect the company. Irregularity, basically, if you behave negligently. Anand Bihari Lal ka case yaad kijiye. Koi bhi transaction, agar aap company ke saath enter kar rahe ho, itna to expected hai ki aap common sense apply karo. अगर आप नेग्लिजेंटली बिहेव करते हो, वी विल नॉट प्रोटेक्ट यू, वी विल प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर. और एक लास्ट पॉइंट है रिलेटिंग टू फॉर्जरी. फॉर्जरी इज अ केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट, नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, रूबेन का केस लॉ. तो यहां पे हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर सकते, एंड वी विल प्रोटेक्ट द इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है ना, वी विल प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर. यस और नो गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. यस और नो गाइस, वंडरफुल. अभी मैं क्या करने वाली हूं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का जो रिविजन लेक्चर है, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो मैं प्ले करने वाली हूँ. एंड टुमोरो वी विल कंटिन्यू विथ यूनिट नंबर 3 and 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो कल तक हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी रिवाइज हो जाएगा. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज देर आर नो अमेंडमेंट्स इन द रिविजन इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो ये जो लेक्चर मैं प्ले करने भी वाली हूँ does not contain any amendments, तो कोई नुकसान नहीं होगा. आपने बस सिंसियरली अटेंड करना है ये रिविजन लेक्चर, एंड टुमोरो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द रिमेनिंग सिलेबस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ओके वर्चुअल स्टूडेंट्स, आपने भी ध्यान देना है, सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर है तो 4 बजे तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, 4 या मैक्सिमम 4:05 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा. चलो.
कंप्लीट कर ले गए, और जो हमारा लास्ट डे रहेगा क्लास का उस दिन हम लोग करेंगे द लास्ट टू यूनिट्स ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये यूनिट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये दोनों भी यूनिट्स के ऊपर हम लोग एक एक क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर आंसर्स एट द एग्जामिनेशन लेवल, क्योंकि हमारा पेपर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो वो है नहीं, ताकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी क्लास में ही हो जाए। इसलिए यूनिट नंबर वन के ऊपर एक सवाल और यूनिट नंबर टू के ऊपर एक सवाल, दोनों की रिटन प्रैक्टिस जो है वो आज हम करेंगे। बट उसके पहले इज गोइंग टू बी द रिविजन पार्ट, सो यू हैव टू बी इन्वॉल्व विथ मी इन द रिविजन पार्ट। प्लीज मेरे साथ साथ जवाब देना। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती है? कौन कौन से? सेलर एंड करंटली हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? इसी गुड्स की ओनरशिप, ओनरशिप को एक्ट में जो लीगल टर्म है उसको कहते हैं प्रॉपर्टी इन द गुड्स। क्या ट्रांसफर होती है टू द बायर? जैसे ही बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, डज द बायर बिकम द एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द गुड्स? मतलब वो जो चाहे क्या गुड्स के साथ कर सकता है? अगर वो चाहे, कैन ही यूज इट फॉर हिज पर्सनल पर्पस? कैन ही डोनेट इट? कैन ही गिफ्ट इट? कैन ही डिस्ट्रॉय इट? तो वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है विद द गुड्स, बिकॉज करंटली ही हैज बिकम द ओनर ऑफ दीज गुड्स। सो बायर इज अ पर्सन हु इज बाइंग और इज अग्रीइंग टू बाय, वेयर एज अ सेलर इज अ पर्सन हु इज सेलिंग और इज अग्रीइंग टू सेल। सो व्हाट इज अ बायर बाइंग एंड व्हाट इज अ सेलर सेलिंग गुड्स? What do you mean by goods according to the Sale of Goods Act? So every kind of movable property other than auctionable claim and money is known as goods. तो मुझे बताओ, immovable property क्या goods की definition में आई? Antique coins. Owned and possessed by the seller currently. Existing goods के भी तीन types है, specific goods, ascertain goods and unascertain goods. So specific goods वो है those goods which are been identified by the seller at the time of the contract of sale are specific goods. तो मेरे को ये AC खरीदना है, इतने सारे ACs में से मैंने कहा है कि मुझे ये वाला ही AC चाहिए। मैंने टीवी का एग्जाम्पल दिया था कि मेरे को ये वाला ही टीवी खरीदना है अपने घर के लिए। यस, दीज गुड्स विल बी नोन एज स्पेसिफिक गुड्स, क्योंकि सेलर के पास इसकी ओनरशिप है, इसका पोजेशन है, और प्लस बायर ने वो गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया है, इसलिए ये गुड्स को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स से आते हैं असर्टेन गुड्स। खैर वो दो टाइप्स है नहीं, वो एक के बाद दूसरा आया जाता है, बट बिकॉज दे आर एग्जिस्टिंग गुड्स इसलिए हमने तीन कैटेगरीज दे दिए। तो अनअसर्टेन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं विच आर नॉट बीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बट आप अनअसर्टेन गुड्स का सेल या परचेस नहीं कर सकते, पहले अनअसर्टेन गुड्स को आपको असर्टेन करना पड़ेगा। असर्टेन होने के बाद ही गुड्स को खरीदा या बेचा जा सकता है। तो ये पूरे लॉट में से जब आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हो विच गुड्स यू वॉन्ट, दीज अनअसर्टेन गुड्स बिकम योर असर्टेन गुड्स। फ्यूचर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो करंटली एग्जिस्टेंस में नहीं है, या तो उनको मैन्युफैक्चर करना होगा या तो उनको प्रोड्यूस करना होगा, ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स के साथ कभी भी सेल नहीं हो सकता है, फ्यूचर गुड्स के साथ हमेशा अग्रीमेंट टू सेल होगा। देयर कैन नेवर बी अ सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स। कॉन्टिंजेंट गुड्स, द एक्विजिशन ऑफ द गुड्स व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग
or not happening of some future uncertain event is known as contingent goods. तो अगर वो uncertain event जो future वाला है वो हुआ तो ये goods आएंगे, नहीं तो वो goods नहीं आएंगे. तो अगर goods आएंगे आप बेचोगे, नहीं आएगा तो ऐसे केस में contract void हो जाएगा. कॉन्टिंजेंट गुड्स के केस में भी देर कैन नेवर बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. यू विल ऑलवेज एंटर इन टू एन अग्रीमेंट टू सेल बिकॉज द गुड्स मे और मे नॉट कम, दैट वी डू नॉट नो बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. यही गुड्स की डिलीवरी तीन मोड्स में हो सकती है. क्या आप बता सकते हो कौन से तीन मोड्स? एक्चुअल, सिम्बॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव. फिजिकली जहां पे गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हो विच इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स. रेलवे रिसीट देना, लॉरी रिसीट देना, आपकी एक्टिवा की कीज देना इज इक्वेलेंट टू आपने एक्टिवा को ट्रांसफर किया है. गाड़ी की कीज देना इज इक्वेलेंट टू आपने गाड़ी को दिया है. दिस इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में गुड्स का पोजेशन जहां पहले था अभी भी का वही है, बट नाउ ओनर क्या उसको चेंज हो जाता है? यस, इसी को कहते हैं एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो ये मैंने एक बड़ा एग्जाम्पल भी एंड में लिया था, आपको याद है क्या? सेक्शन नंबर 25 के साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को पढ़ाया था. तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल होते हैं, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग. बिल ऑफ लेडिंग के लिए एक बड़ा PPT इंडिया और चाइना का मैंने वो एग्जाम्पल दिया था. गुड्स वर बीइंग शिप्ड थ्रू द शिप, याद है क्या? बिल ऑफ लेडिंग. डॉक वारंट, वारंट पे अगर डॉक पे अगर आपके गुड्स लैंड हो रहे हैं, व्हाट यू गेट इज अ डॉक वारंट. वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. मैंने कहा था कि आपको गुड्स अमेरिका में भेजने हैं, अब पहले आप पुणे टू मुंबई बाय लॉरी भेज रहे हो, फिर मुंबई से फ्लाइट लेके वो अमेरिका गुड्स जाने वाले हैं. तो बेसिकली एक से ज्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जब यूज होते हैं उसको कहते हैं एज अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है दीज आर नोन एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. यस और नो गाइज? यस. मर्केंटाइल एजेंट, ऐसा कोई एजेंट जो गुड्स में डील कर रहा है उसे कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट. अकाउंट्स में आपका हुआ है कंजाइनमेंट अकाउंट्स. क्या कंजाइनर और कंजाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप? कंजाइनी जिसके गुड्स बेच रहा है वो उसके नहीं है, वो कंजाइनर के है. मतलब क्या वो गुड्स में डील कर रहा है? तो ये कंजाइनी को क्या हम कह सकते हैं एज अ मर्केंटाइल एजेंट, क्योंकि वो गुड्स में डील कर रहा है और जो गुड्स में वो डील कर रहा है वो उसके नहीं, वो किसी और के है, वो कोई और उसका प्रिंसिपल है. हाँ या ना? इस एक्ट में जहां कहीं पे भी प्रॉपर्टी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, प्रॉपर्टी मीन्स द ओनरशिप इन द गुड्स. यस और नो गाइस? यस. इनसॉल्वेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके एसेट्स हो गई है कम और लायबिलिटीज हो गई है ज्यादा. प्राइस, यस, द मनी कंसिडरेशन दैट यू आर गेटिंग फॉर सेलिंग द गुड्स इज नोन एज द प्राइस ऑफ द गुड्स. और क्वालिटी मतलब गुड्स की जो कंडीशन है, यस, जो स्टेट है उसी को कहते हैं एज द क्वालिटी ऑफ द गुड्स. सेल और अग्रीमेंट टू सेल सेम है या अलग अलग है? तो मुझे बताओ सेल के केस में क्या इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही है, बट अग्रीमेंट टू सेल में क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है एट अ फ्यूचर डेट? सेल के केस में मुझे बताओ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? यहां पे गुड्स दिए, यहां पे पेमेंट मिल गया, बट अग्रीमेंट टू सेल इज अ एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा मुझे बताओ ना, सेल हो गया, गुड्स का लॉस कौन बेयर करेगा, बायर या सेलर? बायर, क्योंकि जैसे ही सेल हो गया विल द ओनरशिप गेट ट्रांसफर टू द बायर एंड डज द रिस्क लाई विद द बायर विद द ओनर? इस केस में इट इज द बायर. अग्रीमेंट टू सेल में गुड्स का ओनरशिप अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ओनर कौन है? सेलर. तो गुड्स को कुछ नुकसान हो गया, कौन बेयर करेगा लॉस, सेलर या बायर? वेरी गुड. अच्छा नेक्स्ट पॉइंट मुझे बता, दिस यू हैड लर्न्ड इवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सन. अच्छा टू आस्क यू, टेल मी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या मिलता है, जस्ट इन रेम या जस्ट इन पर्सन? जस्ट इन पर्सोनेम.
आप गुड्स के ऊपर कुछ नहीं कर सकते हो, बट उस पर्सन के अगेंस्ट आप केस जरूर फाइल कर सकते हो. बट अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट यू हैव बोथ. You have both Justin Rem also and Justin Personam also. जहां तक सेल की बात है, सेल के केस में you have just in Rem. And agreement to sell में, क्योंकि goods आपके पास ही है, आप ग्रीच अगर होता है तो person के against case file करोगे, that will be just in Personam. सेल के केस में द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स. वाई? बिकॉज नाउ द ओनर ऑफ द गुड्स इज अ बायर. सो बायर विल हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू डू एनीथिंग व्हाट ही विशेस टू. सेलर के पास ये अधिकार नहीं है. बट जहां तक अग्रीमेंट टू सेल की बात है, अभी तक ओनर सेलर ही है. सेलर कैन सेल दोज गुड्स टू समबडी एल्स. हाँ या ना? यस. सेल और हायर परचेज दोनों सेम है या अलग अलग है? सेल के केस में क्या प्रॉपर्टी इन द गुड्स इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है? बट हायर परचेस में यस, ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट. पोजिशन ऑफ द पार्टी, देखो बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स, वेर एज द हायरर ओनली बिकम्स द पोजेसर ऑफ द गुड्स. ही इज लाइक दैट ऑफ द बेली. ओनर नहीं बनता है, ओनर तो वो लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही बनता है. कुछ याद है क्या आपको? तो देखो, सेल के केस में बायर ओनर बन जाता है, हायर परचेज के केस में हायरर कौन बन जाता है? पोजेसर. हाँ, मतलब बेली ऑफ द गुड्स. सुनो ना मेरी बात, एक बार मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, अब बायर इज बाउंड टू मेक द पेमेंट. ही कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. और अगर टर्मिनेट किया, इट विल बी अ ब्रीच and seller can sue the buyer. But in case of higher purchase, I can discontinue giving my higher installments. हाँ या ना? तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा. जो goods मैंने लिए थे, उसका possession owner वापस से ले लेगा. But क्या मैं terminate कर सकती हूँ contract को? Yes, I can terminate the contract. देखो ना, transfer of title. Buyer can pass a good title to a bona fide purchaser from him, क्योंकि अब buyer owner है. तो अगर बायर ओनर है, ओनर कैन सेल अ बोनाफाइड टाइटल टू समबडी एल्स. बट हायर परचेस में हायरर क्या गुड्स का ओनर है? तो अगर वो गुड्स का ओनर नहीं है, कैन ही सेल द गुड्स? और अगर उसने बेच भी दिए, कोई भी पर्सन जिसको ये गुड्स बेचे, उसके पास सही टाइटल नहीं आएगा, बोनाफाइड टाइटल नहीं आएगा. क्योंकि अगर खुद के पास वो चीज नहीं है, आप किसी और को वो चीज कैसे दे सकते हो? नहीं समझा आपको? हाँ ना? एंड रीसेल, बायर कैन रीसेल द गुड्स, बट हायर परचेसर कैन नॉट रीसेल द गुड्स दैट ही हैज हायर्ड. यस और नो गाइस? सेल और बेलमेंट सेम है, अलग अलग है? सेल के केस में क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है? बेलमेंट के केस में पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है. सेल के केस में बायर को वापस से सेलर को गुड्स रिटर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं. बट बेलमेंट में जैसे ही पर्पस खत्म हो गया, क्या बेली को गुड्स बेलर को लौटाने पड़ेंगे? जैसे ही 7 महीने खत्म हो गए, क्या आपकी फ्रेंडी आपको आपकी एक्टिवा दे देगी? जैसे ही वो इमेजिका में आप पूरे दिन के लिए गाड़ी लेते हो, आपकी ट्रिप खत्म हो जाती है, क्या कार सर्विस प्रोवाइडर को आप उसकी गाड़ी वापस से लौटा दोगे? सेल के केस में गुड्स को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बट बेलमेंट में जैसे ही पर्पस खत्म हो गया, गुड्स लौटाए जाएंगे. सेल के केस में कंसिडरेशन हमेशा होता ही है. बेलमेंट कैन बी ग्रेचुटस और इवन नॉन ग्रेचुटस. याद है ना आपने, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में आपने वन ऑफ द एक्सेप्शन पढ़ा था, बेलमेंट. तो बेलमेंट कैन इवन बी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. बट सेल कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसको सेल ही नहीं कह सकते अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. तो सेल विल ऑलवेज इंक्लूड कंसिडरेशन. येस और नो गाइज? बोलो ना. सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर ऑल्सो हैव टू बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर. तो अगर कोई एम्प्लॉई है जो आपके लिए काम कर रहा है, उसने क्या अपने आप को आपके बेच नहीं दिया है? हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका आपके साथ हुआ है, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. सुनो ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो सबसे पहली बात तो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है सेल का, क्या वो गुड्स का होना जरूरी है? यही गुड्स जो है, एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं या फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं. हाँ या ना? अगर एग्जिस्टिंग गुड्स है तो हम इसको कहेंगे एज अ सेल.
और अगर ये फ्यूचर गुड्स है हम इसको कहेंगे एज एन अग्रीमेंट टू सेल. यस और नो गाइस? यस. गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस, इट इज अ बायलैटरल मिस्टेक. वॉइड ab initio. Very good, I'm so proud of you. And goods perishing before sale but after agreement to sale. Yes, it is a void contract. Kyunki jab contract banaya tha tab goods the. Contract banne ke baad but execution ke pehle goods perish ho gaye. Void contract. Pehle valid, ab void. Void contract. असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है आप कैसे प्राइस को असर्टेन करोगे? सबसे पहली बात तो वही प्राइस आपको देना होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है. तो अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. जो भी पार्टीज के बीच में अग्री हुआ है उसी के हिसाब से क्या आपको गुड्स के लिए प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन देना होगा. बट से अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट तब ऐसे केस में यूजुअली अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं बताता है ना इट यूजुअली टेल्स अस द मैनर इन विच द प्राइस विल बी असर्टेड. तो अब उस हिसाब से जो भी मैनर कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है उस हिसाब से जैसे कि यूजुअली वी अपॉइंट अ वैल्यूअर. वैल्यूअर को हम अपॉइंट करेंगे और वही बंदा जो है गुड्स का प्राइस असर्टेन करेगा और यही वैल्यूअर का असर्टेन किया गया प्राइस इस बायर को देना होगा टू द सेलर. Yes or no guys? अब सेलर की गलती के वजह से द वैल्यूअर इज नॉट एबल टू असर्टेन द गुड्स. डैमेजेस जो हो गए वो सेलर बोन करेगा. बायर की गलती के वजह से वैल्यूअर इज नॉट एबल टू असर्टेन द प्राइस ऑफ द गुड्स. बायर विल पे फॉर द डैमेजेस. बट जितना भी आपको गुड्स मिला है उतना प्रोपोर्शनेट आपको पेमेंट करना पड़ेगा. हाँ या ना? यस. तो वट एवर इज द रीजनेबल प्राइस ऑफ द गुड्स उतना तो आपको सेलर को देना ही देना पड़ेगा. यस और नो गाइज? यस. नेक्स्ट, कंडीशंस एंड वारंटीज. तो सुनो ना मेरी बात. स्टिप्यूलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्टिप्यूलेशन? अ टर्म. अ टर्म. यही स्टिप्यूलेशन जो है इट कुड बी एज रिगार्ड टू पेमेंट और स्टिपुलेशन कुड बी एज रिगार्ड टू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. जहां तक द स्टिपुलेशन इज एज रिगार्ड टू द पेमेंट इट इज नॉट एन असेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. बट इफ द स्टिपुलेशन इज रिलेटिंग टू द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इट इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यही जो पूरा का पूरा यूनिट है इट इज टॉकिंग अबाउट स्टिपुलेशन एज टू कंडीशन एंड वॉरंटीज. सुनो ना मेरी बात. कंडीशन और वारंटी, क्या आप मुझे बता सकते हो कंडीशन और वारंटी के केस में विच वन इज असेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट? विच वन इज कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट? अ वारंटी. इन केस ऑफ, सुनो ना मेरी बात, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन व्हाट राइट्स डू यू गेट? यू हैव टू राइट्स, resigned the contract and claim the damages. But in case, or claim the damages. But in case of breach of warranty, you have only one right and that is claim of damages. You cannot resign the contract. वापस से important है इसलिए मैं पूछ रही हूँ. In case of breach of condition, आपके दो rights बताओ. Resigned the contract or claim the damages. In case of breach of warranty, only one right and that is claim the damage. But can you treat your breach of condition as a breach of warranty? Yes. If you are treating your breach of condition as a breach of warranty, then aise case mein you will not get the right to resign the contract. उस केस में you will only be able to claim the damages. You cannot treat breach of warranty as breach of condition, but you can treat breach of condition as breach of warranty. ये बाइक मेरे लिए लकी है तो मैं इसको बेचना नहीं चाहता क्योंकि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दूंगा आई विल हैव टू रिटर्न द बाइक टू द सेलर विच आई डू नॉट वॉन्ट टू डू. आई कैन ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वॉरंटी. यस और नो गाइज? बोलो ना.
तो देखो ये पॉइंट वही कह रहा है, व्हेन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, आपका जो अधिकार था, कौन सा अधिकार, रिसाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट, वो अब आप खो दोगे. बस आपको सिर्फ एक ही अधिकार मिलेगा, एंड दैट इज यू विल ओनली बी एबल टू क्लेम द डैमेजेस. आपके जो कंडीशंस होते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं. सिमिलरली आपके जो वारंटीज है वो भी एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं. एक्सप्रेस मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसिफिकली वो चीज को बताया है, बट कभी कभार आपके कंडीशंस इम्प्लाइड भी हो सकते हैं. तो कौन से है वो कंडीशंस विच आर बीन इम्प्लाइड बाय लॉ? क्योंकि एक्सप्रेस तो लॉ मेकर्स लॉ में लिखेंगे नहीं, वो तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा. लॉ मेकर्स लॉ में क्या लिखेंगे? इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज. शुरू करते हैं विथ ऑल द इम्प्लाइड कंडीशंस. कंडीशंस मतलब इट इज द मेन एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सही या गलत? फर्स्ट कंडीशन एज टू टाइटल. तो जो सेलर गुड्स को बेच रहा है, there is an implied condition कि वो goods का owner है. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ owner ही goods को बेच सकता है, a non-owner cannot sell the goods. Yes or no guys? और कल जाके अगर seller का title defective निकलता है, the buyer must return the goods to the true owner and recover the price from the seller. क्योंकि ना ये goods seller के है, ना ये गुड्स बायर के है. ट्रू ओनर था उसका कोई थर्ड पार्टी है, तो बायर को वो गुड्स ट्रू ओनर को लौटाने पड़ेंगे. बट यस, ट्रू ओनर को लौटाने के वजह से जो बायर को नुकसान हुआ है, बायर ये प्रिटेंडेड सेलर से रिकवर कर सकता है. तो सबसे पहला, सबसे असेंशियल चीज जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, दैट इज सेलर इज हैविंग द ओनरशिप. इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि अगर वो सेलर आपको गुड्स बेच रहा है, उसके पास ओनरशिप है. और अगर अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मतलब गुड्स फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल. तो अब ऐसे केस में जब कभी भी गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए या प्रोक्योर हो गए, उसके पास ओनरशिप आ जाएगी. ये प्रिजम्पशन आप लीगली ले सकते हो, हाँ या ना? नेक्स्ट, सेल बाय डिस्क्रिप्शन. कुछ याद है आपको क्या? हाँ, आसाम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, कुर्क की कॉफी. तो क्या आप गुड्स को बेच सकते हो बाय डिस्क्रिप्शन? और अगर आपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया है ना कि भैया मुझे आसाम की चाय चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, या मुझे कुर्क की कॉफी चाहिए, जो कॉफी वो दे रहा है या जो वो चाय पत्ती दे रहा है, यू कैन अज्यूम कि वो वही है जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया था. इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स दैट यू डिस्क्राइब आर द गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड बाय द सेलर टू यू. हो कि नहीं? थर्ड, सेल बाय सैंपल. बास्किन रॉबिन्स का एग्जाम्पल आपको याद है? तो अगर बल्क है और बल्क में से आपने कुछ सैंपल सिलेक्ट किया है, या तो फिर चावल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, वीड का एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, बास्किन रॉबिन्स का जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जो सैंपल आपने सिलेक्ट किया है, से यस, उसी सैंपल के हिसाब से क्या गुड्स मीट होने चाहिए? यस, इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन. सपोज, सुनो ना, सैंपल के हिसाब से गुड्स नहीं है, इज देयर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन? कैन यू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट और कैन यू क्लेम द डैमेजेस? कभी कभार कैन द सेल ऑल्सो बी बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन. यहां पे भी मैंने बास्किन रॉबिन्स का एग्जाम्पल दिया था. आपने बहुत सारे फ्लेवर्स टेस्ट किए, आपने मिसिसिपी मड फाइनल किया, ये सैंपल हो गया कि मुझे 10 किलो का पैकेट मिसिसिपी मड का देना, बट आपने कहा है उस पर ये सारे टॉपिंग्स डाल देना. तो सैंपल भी है और डिस्क्रिप्शन भी है. तो क्या आपका ये 10 किलो का आइसक्रीम फैमिली पैक शुड मैच बाय द सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन? यू कैन इम्प्लाई मतलब आप अज्यूम कर सकते हो, डीम कर सकते हो कि जो सैंपल सिलेक्ट किया है और जो डिस्क्रिप्शन दिया है, उसी के हिसाब से ये 10 किलो का आइसक्रीम डिलीवर हुआ है. और अगर नहीं होता, या तो आप रिसाइन कर सकते हो या तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, हाँ या ना? यस. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं पूरा पॉइंट रीड करना चाहती हूँ. सुनो ना मेरी बात. ऑर्डिनरीली
देखो जनरल रूल बोलता है, देखो देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड सोल. There is no implied condition as to the quality or the fitness of the goods. However, सुन रहे हो क्या मेरी बात? The condition as to reasonable fitness of the goods for a particular purpose may be implied if one, the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase. He relied upon the skill and the judgment of the seller to select the goods. And the seller has been ordinarily dealing in those goods. याद है मैंने वो दादी जी का example दिया था कि उन्हें दांत बिठाने थे. अब ऐसे केस में one, dentist को पता था कि दादी जी क्यों आई है. He was an expert in that particular field. और दादी जी ने कहा था मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, आप आपके हिसाब से जो आपको लग रहा है द बेस्ट टीथ दैट कैन फिट इन माई जो आप वही मुझे दे देना. ऐसे केस में दादी जी कैन अज्यूम कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड सोल्ड टू हर. यस और नो गाइस? बोलो ना पक्का. बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है. अगर आपने गुड्स को खरीदा है ट्रेडमार्क या पेटेंट नाम के हिसाब से, देन देर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस. तो मैंने कहा मुझे डाइकिन का ही एसी चाहिए. जब मैं विजय सेल्स में जाती हूं उस दुकानदार को मैं कहती हूं नहीं भाई साहब मुझे डाइकिन का ही एसी चाहिए. क्या मैंने एसी मांगा ही है बाय अ ट्रेड नेम? मैंने उषा की सुइंग मशीन का एग्जाम्पल दिया था. अब ऐसे केस में डाइकिन से और 10 कंपनीज अच्छी हो सकती है जो एसीज मैन्युफैक्चर कर रही है और बेच रही है, बट क्योंकि मैंने डिमांड किया डाइकिन, क्या मैं सेलर को कह सकती हूँ आपने तो घटिया सा एसी मुझे दे दिया? क्यों नहीं? क्योंकि ब्रांड मैंने सिलेक्ट किया था और उसी के हिसाब से मैंने गुड्स को डिमांड किया था. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट. लास्ट टू बस conditions. कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी. मर्केंटेबिलिटी मतलब गुड्स शुड बी अनडैमेज्ड एंड यूजबल इन कंडीशन. गुड्स शुड बी अनडैमेज्ड एंड यूजबल इन कंडीशन. तो मैं वेलवेट क्लॉथ लेने गई थी मार्केट में. जो वेलवेट क्लॉथ मुझे दिया गया था इट वॉज ऑलरेडी डैमेज्ड बाय वाइट एंट्स. मतलब गुड्स आर नॉट मर्केंटेबल. मैं एटलीस्ट ये तो अज्यूम कर सकती हूँ ना कि जो गुड्स मुझे दिए जा रहे हैं वो अनडैमेज्ड है और वो यूजेबल है. ऐसे व्हाइट एंट्स के बिटन वेलवेट क्लॉथ से मैं कैसे अपने लिए कपड़े बना सकती हूँ? क्या यहाँ पे कंडीशन ब्रीच हुई है? क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती हूँ या अगर मैं चाहूँ क्या मैं डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ? येस. एंड लास्ट पॉइंट इज कंडीशन एज टू होलसमनेस. होलसमनेस मतलब फिट फॉर यू टू यूज. वो आंटी जी का एग्जाम्पल याद है, दूध जो था उसमें टाइफॉइड के जर्म्स थे. अब अगर मैं कल जाके मार्केट में से मिल्क परचेज करी, ऑब्वियस सी बात है, इट इज इम्प्लाइड, इट इज ऑब्वियस कि मिल्क शल बी फिट फॉर कंजम्पशन. वो टाइफॉइड जर्म्स होने की वजह से शांत हो गई ना वो आंटी, सच में मर गई हो ना. हस्बैंड फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दैट मिल्कमैन and the case was maintainable and he was liable for damages. Unfortunately, खैर इंसान चले गया है, मॉनिटरी टर्म्स में तो हम डैमेजेस ले नहीं सकते हैं, बट जितना फिर होता है उतना कॉम्पेंसेशन दिया गया. सो दिस इज दीज आर ऑल द इम्प्लाइड कंडीशंस. इम्प्लाइड वारंटी चार ही है, बस खत्म. चार ही इम्प्लाइड वारंटीज है. वन, द फर्स्ट इम्प्लाइड वारंटी इज वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन. अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन मतलब क्वाइट पोजेशन. क्या हो गया छोड़ो. Undisturbed possession मतलब quiet possession. Next warranty is the warranty as to the non-existence of an encumbrance. मतलब जो goods आप खरीद रहे हो they are not charged. Clear है वो. क्योंकि देखो अगर charge create होता है, जो charge holder होता है even he is interested in that property. तो इसलिए जो आप goods खरीद रहे हो they are not charged. उनका title clear है. वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड. देखो ये मैंने आपको कहा था ये क्वालिटी और फिटनेस वो कंडीशन भी है
और वारंटी भी है. सो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ऑल केस, यू हैव टू डिसाइड कि ये केस में वो कंडीशन है या ये केस में वो वारंटी है. उसके लिए मैं आपको कोई भी थंब रूल नहीं बता सकती. वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के कि इज दिस अ कंडीशन और इज दिस अ वारंटी, और डिसाइड करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों के ब्रीच के कॉन्सिक्वेंसेज अलग अलग है. तो अगर आपको लग रहा है इट इज एसेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ कंडीशन. और अगर आपको लग रहा है इट इज कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट, देन इट विल बी अ वारंटी. यस और नो गाइस? एंड लास्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, जैसे कि वाटर हीटर्स, इलेक्ट्रिक आयंस, इस्त्री. तो यहां पे क्या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा एज टू द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स. यस. और एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बस इस चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 में, एंड दैट इज केवियट एम्प्टोर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो द डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्प्टोर सेज लेट द बायर बी अवेयर. सो कॉशन बायर, ऐसा हमने कह दिया है. जो पॉइंट कहता है कि it is not the responsibility of the seller to disclose the faults in the goods, let the buyer be aware. Yes or no guys? Yes. But this caveat emptor is subject to certain exceptions. General rule bolta hai let the buyer be aware, uske exceptions jo rahenge wahan pe humne buyer ke upar zimmedari nahi rakhi hai, matlab seller ki liability kar di hai. Sahi ya galat? First, फिटनेस एज टू क्वालिटी ऑफ यूज. देखो इसमें भी वही है, वेन द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड. तो बायर ने बोला रे सेलर को कि क्यों मुझे ये गुड्स चाहिए. हमने रिलाई किया है सेलर के स्किल के ऊपर, गुड्स के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया है. तब ऐसे केस में फिर भी अगर सेलर हमारी बातें नहीं सुन रहा है तो हमारी गलती नहीं है, सेलर की गलती है. मैंने कहा आई नीड अ वॉटर बॉटल फॉर स्टोरिंग हॉट वॉटर, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, मैंने बताया कि मेरा पर्पस क्या है. ऐसे आई एम अ टीचर, मुझे बार बार बोलने की जरूरत होती है. सो आई नीड टू कीप माई थ्रोट वॉर्म, सो दैट इज वाई आई नीड अ वॉटर बॉटल विच कैन कीप वॉटर वॉर्म फॉर 6 to 7 hours. पर्पस बताया. मैं बोल रही हूं कि भैया जो आपको लग रहा है बेस्ट क्वालिटी है वही बॉटल आप मुझे देना, चाहे प्राइस ज्यादा रहा चलेगा, बट आई डू नॉट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. आई एम रिलाइंग ऑन स्किल. मैं पर्पस बोल रही हूं. अब ऐसे केस में मैंने डिस्क्रिप्शन भी बताया कि मुझे कैसे गुड्स चाहिए और क्यों चाहिए. उसके बावजूद अगर सेलर मुझे मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से गुड्स नहीं देता है तो मैं लायबल नहीं हूं, वो लायबल रहेगा. तो केवियट एम्प्टोर का रूल यहां पे अप्लाई नहीं करेगा. यस और नो गाइस? सो इट विल बिकम द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू सेल सच गुड्स एज आर रीजनेबली फिट फॉर द पर्पस दैट द बायर हैड डिस्क्राइब्ड. सेकेंड एक्सेप्शन, एक्चुअली मैंने ये कहा भी था सेकेंड एक्सेप्शन एक्सेप्शन है भी नहीं, तो इसलिए थर्ड को मैंने सेकेंड कहा था. क्या लिखने देखो ये वापस हो तो ऐसा कभी कभी. Goods sold by description. So if the goods are sold by description and if the seller does not give us the goods according to the description, buyer is not liable. Who will be liable? Seller will be liable. Goods of mercantile quality. Mercantile quality ke matlab goods usable nahi hai. They are damaged goods. Ab aise case mein meri thodi na zimmedari thi. It was the zimmedari, the responsibility of the seller to sell such goods which are undamaged and fit for use. Agar maine sample select kiya tha aur kaha tha isi ke hisab se goods do aur uske hisab se wo goods nahi deta hai to galti buyer ki nahi, galti seller ki. Aur ek last do points hai bas. Sale by सैम्पल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन. उसके लिए मैं वापस कुछ नहीं कहने वाली हूं. ट्रेड यूसेज. सो एन इम्प्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज मे बी एनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड एंड इफ द सेलर डेविएट्स फ्रॉम दैट द रूल ऑफ केवियट एम्प्टोर इज नॉट एप्लीकेबल. आपको याद है मैंने ट्रेड यूसेज के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया था? वो हिमाचल प्रदेश के एप्पल्स का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि यूजली अगर मैं एप्पल्स ऑर्डर कर रही हूं वो एप्पल्स कच्चे होते हैं.
क्यों कच्चे होते हैं? क्योंकि ट्रांसपोर्ट करते 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 मार्केट में आते 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 वो एप्पल्स ऑटोमेटिकली राइप हो जाते हैं। अब अगर आप पके हुए एप्पल्स ही देते हो, ऑब्वियसली बात है मार्केट में आते आते वो पकेंगे नहीं, वो सड़ जाएंगे। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? एग्जाम्पल, सेलर ने जो ट्रेड यूसेज है उसको यूज नहीं किया है, वो डेविएट हुआ है। वो डेविएट हुआ है मतलब वो लाइन से साइड लाइन हुआ है, तो गलती उसकी है, गलती मेरी नहीं है। और लास्ट है, सेलर एक्टिवली कंसील्स अ डिफेक्ट। यस, हॉर्स का एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? हॉर्स के हूफ जो क्रैक था उसके अंदर सीमेंट भर दे, जो रीजनेबल इंस्पेक्शन से भी मैं पता नहीं कर पाती थी, एक्टिवली कंसील, छुपाना। अब अगर मैं रीजनेबली गुड्स को इंस्पेक्ट भी कर लेती ना तो भी पता नहीं चलता कि उसने क्या कांड किया है, तो गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है। सेलर विल बी लायबल, एक्सेप्शन टू केवीएट एमटोर। यस और नो गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कम ऑन।